आज हम बनाने वाले हैं बिना अंडे का ऑमलेट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे आप घर बैठे 40 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है मीशो ऐप। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपना नंबर डाल करके साइन अप कर लीजिए। इस ऐप में हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सूट, साड़ी, गहने वगैरह। तो अब आपको क्या करना है, मान के चलिए आपको कोई इसमें साड़ी पसंद आती है और आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड खरीद सकती है, तो आप इस साड़ी को अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कर दीजिए और उस फ्रेंड को शेयर कर दीजिए जिससे आपको लगता है कि ये वो खरीद सकती है। तो मैं यहाँ पर एक साड़ी सिलेक्ट कर रही हूँ, व्हाट्सअप पर मैं इसको अपनी मम्मा के नंबर पर ही इसको सेंड कर देती हूँ। तो जैसे मैंने साड़ी सेंड कर दी तो ये इमेज चली गई। अब मैं बैक होकर के साड़ी की डिटेल भी सेंड कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसकी डिटेल को कॉपी पेस्ट कर दिया है, जिससे साड़ी की सारी डिटेल चली गई, इसके बारे में जितना कुछ था वो सारा चला गया है। आप मान के चलिए आपकी फ्रेंड इसको खरीदना चाहती है, तो शेयर नाउ के बगल में ऐड टू कार्ड लिखा है, उस पर आप जाइए तो ये क्वांटिटी पूछ रहा है। इसके बाद ऊपर हर्ट के बगल में एक ट्रॉली जैसी बनी है, वहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कैश ऑन डिलीवरी। जैसे ही आप कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे, साड़ी के बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी, कितना शिपिंग चार्ज है वगैरह वगैरह। आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साड़ी का रेट 700 रुपये है। यहाँ पर आप मन मुताबिक मार्जिन डाल सकते हैं, जैसे 800 रुपये आप डाल दीजिए तो 100 रुपये आपको मार्जिन मिल जाएगा। मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और तो यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, जिस एड्रेस पर भी आपको इसको मंगाना हो आप मंगा सकते हैं। आप चाहे अपने एड्रेस पर या अपने फ्रेंड के एड्रेस पर भी इसको मंगा सकते हैं और आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। और ख़ास बात, इसमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 7 दिन के अंदर आप इसे वापस कर सकते हैं, आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिना अंडे का ऑमलेट, जो देखने में ही नहीं खाने में भी बिल्कुल ऑमलेट के जैसा लगेगा और छूने में भी आप बिल्कुल चेक नहीं कर पाएंगे कि ये ऑमलेट है या बिना अंडे का ऑमलेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/2 कप बेसन और साथ में हम ले रहे हैं 1/2 कप मैदा। मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं कि मैदा से जो फ्लफ़ीनेस होना चाहिए, जैसे ऑमलेट होता है ना, छूने में एकदम सॉफ्ट होता है, फ्लफ़ी टाइप का होता है ना, तो मैदा से वो चीज़ आ जाती है, बहुत फ्लफ़ीनेस आती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। और जो कलर होना चाहिए ना ऑमलेट वाला, वो कलर भी आ जाता है, हल्की सी वाइटनेस। तो हम मैदा और बेसन दोनों को बराबर क्वान्टिटी में ले करके दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च पाउडर एंड 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, जैसा कि ऑमलेट में डाला जाता है। इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। तो इसके घोल में और जो नॉर्मल अदर चीज़ों के लिए घोल बनता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। ऑमलेट का जो घोल होता है ना, एकदम पतला होता है। तो पहले तो आप नॉर्मल थिक घोल बना लीजिए, उसके बाद हम एक्स्ट्रा का पानी डाल करके आपको बताते हैं कि कितना पतला घोल बनाना है। तो ये देखिए हमने नॉर्मल एक घोल तैयार कर लिया है इसका, ये देखिए। लेकिन अभी ये जो बैटर है ये अभी पतला नहीं है, अभी हम इसमें और पानी मिलाएंगे और इसको काफ़ी पतला करने वाले हैं। तो टोटल हमें 1 गिलास पानी लग गया है, 1 कप, दोनों चीज़ें मिला करके 1 कप थी हमारा जो मिश्रण था, उसमें हमें 1 गिलास करीब पानी लग गया है। तो ये देखिए हमने इसको बिल्कुल पतला बैटर तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं कटी हुई। यहाँ पर हमने लिया है टमाटर, प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्च, जैसा कि ऑमलेट में डालते हैं। तो हम इन सब्जियों को सभी को इसमें डाल देते हैं बैटर में। तो आज आपको कैमरा की क्वालिटी अच्छी समझ में नहीं आ रही होगी, एक्चुअली में ये काफ़ी पुराना वीडियो है जो मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ, तो आप कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो माफ़ी चाहती हूँ। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे ऑमलेट का बैटर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें मिलाना है 1/4 यानी कि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। इस सोडा से जो टेक्सचर है ऑमलेट का, बिल्कुल रियल ऑमलेट जैसा आएगा, एक सॉफ्टनेस रहेगी जो होनी चाहिए। आप छुएंगे ना तो बिल्कुल ऑमलेट जैसा ही लगेगा, जो हल्का सा फ्लफी टाइप का होता है ना, उस टाइप का। तो चलिए हमने सोडा मिला लिया है, हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हमने रखा है तवा, नॉनस्टिक तवा हम रख रहे हैं, और तवे में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें अपना ऑमलेट डालेंगे। तो ये देखिए हम ऑमलेट को फैला लेते हैं। तो ऑमलेट का कोई एकदम परफेक्ट शेप नहीं होता है कि आप सोचें एकदम गोल ही शेप आएगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला बैटर होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको काफ़ी गोल शेप देने की।
ये देखिए हम चम्मच की मदद से कुछ हद तक हमने इसको गोल शेप दे दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से गोल शेप नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी पतला बैटर होता है। तो चलिए अब हम इसको नीचे की तरफ सेकने देते हैं। इसको आप अच्छे से सेकने दें वरना ये पलटने में दिक्कत होगी, टूट जाएगा क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है ये। देखिए ऑमलेट हमारा किनारे पर सिक रहा है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जैसे ही सिकेगा इसमें जो ये देखिए होल्स जैसे नज़र आ रहे हैं ना, कितना फ्लफ़ी दिख रहा है, इसमें होल्स आ रहे हैं छोटे छोटे से नज़र, जैसा कि ऑमलेट में होता है वैसे ही इसमें नज़र आने लगे हैं। तो ये जब नीचे से दिखने लगेगा कि सिक गया है काफ़ी अच्छे से, तब हम ऊपर इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पर देखिए पलटने के लिए काफ़ी तैयार है ये, तो हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं ताकि जब हम इसको पलटें तो ये दूसरी तरफ भी अच्छे से तो इसको थोड़ा सावधानी से पलटें क्योंकि काफ़ी पतला है, बहुत सॉफ्ट है तो टूटने का डर रहता है। तो देखिए मैंने इसको पलट लिया है, तो आप बिल्कुल लग रहा है ना देखने में ऑमलेट जैसा, बिल्कुल वही टेक्स्चर लग रहा है ना देखने में। तो अब हम इसको दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे, जब ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाएगा तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है तो उस वजह से थोड़ा सा किनारे पर टूट रहा है, तो चलिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। जी ये देखिए हमारा ऑमलेट बनकर के तैयार हो गया है बिना अंडे का। एंजॉय करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही फ्लफ़ी ऑमलेट बना है। मैं आपको तोड़ करके अभी इसको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है, जैसे ऑमलेट होता है उसी तरह से ये ऑमलेट बना है। ये देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इसी तरह से ऑमलेट टूटता है ना जब हम तोड़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा हमारा बिना अंडे का ऑमलेट बनकर के तैयार हो गया है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जिस ऐप के बारे में बताया आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें, उससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं।